डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस ऑफ जी अगर जीरो है तो प्रूव करें कि जो जी है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू होगा। ऑड मल्टीपल्स मीन के एन को जीरो पुट करें तो वन आएगा, वन पुट करें थ्री आएगा, टू पुट करें फाइव आएगा, तो ये इवन ऑड मल्टीपल्स होंगे। तो ये मीन्स के यहाँ पर ये चीज तब ही वैलिड होगी जब जेड जोन सा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू होंगे। तो ये हमने प्रूव करना है, बाई कंडीशनली प्रूफ करना है। तो हम इसमें आप लेट कर लेते हैं जी, के लेट के फर्स्ट प्रोपोजिशन के जी के कॉस ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो है, एंड क्यू लेट कर लेते हैं आपके जेड जोन सा है वो ऑड मल्टीपल्स हैं पाई बाई टू के, वेन एवर एन इज एनी इंटीजर, एन इज एनी इंटीजर। ओके, तो अब देखें यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट के जी के पी इम्प्लाइज क्यू। क्या मतलब है कि गिवन है आपके पास कि कॉस ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो है, एंड टू प्रूफ करेंगे हम कि जेड जो सा है वो टू एन प्लस वन पाई बाई टू है। ओके, तो देखें जी यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास के जी कॉस ऑफ जी, तो पी इम्प्लाइज के कॉस ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो है। कॉस ऑफ समथिंग क्या पर है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए, कि e ऑफ आयोटा समथिंग प्लस e ऑफ माइनस आयोटा समथिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इधर से सिंपलीफाई होकर e आयोटा z 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, जैसे भी मर्जी आप कह लें, माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 0। यहां से फर्दर e आयोटा z प्लस 1 ओवर e आयोटा z इज इक्वल टू 0। ओके, एलसीएम लें तो e आयोटा z इज इक्वल टू क्या देगा, e आयोटा z का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से फर्दर आप e आयोटा z से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो e ऑफ 2 आयोटा z पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर कैसे सिंपलीफाई करेंगे, e ऑफ क्या होगा जी, e ऑफ आयोटा 2 z इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 उधर जाकर माइनस 1, माइनस 1 हां जी कैसे लिखते थे आप, कॉस ऑफ पाई माइनस 1 होता है। चल इसको आप एक दफा ऐसे लिख लें, माइनस 1 प्लस आयोटा 0, माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कॉस पाई के, और अगर इधर एंगल पाई है तो इधर भी आयोटा साइन ऑफ पाई ही आना चाहिए। तो अब देखें पॉलर्स फार्मूला फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन राइट साइड पे बनता नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आपकी ये चीज चल रही है। तो ई ऑफ आयोटा 2z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग क्या होता है जी। चले इसमें अभी भी देखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इट मींस के आप पाई प्लस 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल ऐड कर दें, तो हम n मल्टीपल ऐड करते हैं क्योंकि n ही गिवन है, चाहे k कर दें n कर दें कोई इशू नहीं है, डमीज होते हैं ये नोटेशंस, असल उनका ऑब्जेक्टिव होता है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो पाई प्लस n ऑफ 2 पाई, ओके, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ पाई, n को कॉमन निकाल लें आप, पाई कॉमन आ जाएगा तो 2n प्लस 1 पाई के प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई कॉमन निकालेंगे तो 2n प्लस 1 पाई आएगा। वेल, इसको आप फर्दर कैसे लिखेंगे जी, फर्दर देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे e आयोटा ऑफ 2z है, तो e आयोटा ऑफ 2z इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या आएगा जी, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग क्या होता है जी, e आयोटा ऑफ समथिंग, और समथिंग क्या है, 2n प्लस 1 पाई। वेल जी यहाँ अब आप देखें यहाँ पर दो एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं, और हमने ये स्टडी किया था कि इन केस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अगर ई जेड 1 इज इक्वल टू ई जेड 2 है फॉर द कम्प्लेक्स नंबर, तो अगर बेसिस इक्वल हैं तो अनलाइक द रियल वैल्यूड फंक्शन यहां पर पावर्स भी इक्वल होंगी, लेकिन हमें जोन सा है ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा किसका, आयोटा पाई का इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल के साथ ये आता है क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर द कम्प्लेक्स वेरिएबल्स हमने स्टडी किया था ये पेरियोडिक होता है, ये फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, तो डेट्स वाई यहाँ पर हमें उनका जो पीरियड है के आयोटा पाई इसके इवन मल्टीपल्स आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, और k क्या होता है आप कहते हैं कि इंटीजर है। वेल यहाँ से अब आप इसको
कर दें जी, लिखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ से आप कहेंगे कि आयोटा टू जेड इज इक्वल टू आ जाएगा जी आपके पास आयोटा टू एन प्लस वन पाई और प्लस क्या आ जाएगा जी टू के आयोटा पाई। ओके जी, तो आप देख सकते हैं आयोटा यहाँ से कैंसिल हो रहा है, दोनों तरफ से अगर आप कॉमन निकाल लें टू कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब आप सिंप्लीफाई करें, z आपने यहाँ पर z को अवेल्युएट करना है या आपने z को इसके इक्वल करना है, z मींस के पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है। ओके जी, तो इसको लिख लें, आप क्या लिख देंगे, टू जेड इज इक्वल टू आ जाएगा जी पाई आपका कॉमन आ रहा है टू एन प्लस वन प्लस के इंटू पाई। ओके जी, तो टू जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से देखें टू एन इन दोनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा एन प्लस के और प्लस वन। ओके जी, ओके यहाँ से आप पाई कह दें। वेल देखिए, क्वाइट सिंपल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एन क्या है, एक इंटीजर है, के भी क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अगर एन इंटीजर है और के जोन सा है, के भी आप कहें कि वो इंटीजर है, तो इट मीन्स के एन प्लस के भी एक इंटीजर होगा, और इंटीजर प्लस इंटीजर एक इंटीजर है, तो आप इसको आप से कह देंगे वो क्या है, एन प्राइम है, एन प्राइम इज अगेन एन इंटीजर आफ्टर एडिंग एन एंड के। ओके जी, तो यहां से क्या आ जाएगा, टू जेड इज इक्वल टू टू ऑफ एन प्राइम प्लस वन इंटू पाई और जेड इज इक्वल टू आ जाएगा जी टू एन प्राइम प्लस वन ओवर पाई बाई टू। तो ये हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू की कंडीशन आ गई, मीन्स के आप ये कहें कि कॉस जेड अगर जीरो है तो जेड की ये वैल्यूज होंगी, या आप कहें इन अदर वर्ड्स के कॉस जी इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है कि जेड जोन सा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के लिए यहाँ पर वो क्या होगा, जीरो होगा। और देखें आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पर एन है और यहाँ पर एन प्राइम है और एन भी इंटीजर है और एन प्राइम भी इंटीजर है, आपके ऑब्जेक्टिव पे नजर होनी चाहिए। बात बताने का मकसद सिर्फ यही है कि पाई बाई टू के ओड मल्टीपल्स, तो ये भी ओड मल्टीपल्स को डिनोट कर रहा है, ये भी ओड मल्टीपल्स को डिनोट कर रहा है, जस्ट जोन सा है नोटेशन का डिफरेंस है एन और एन प्राइम के, हैं दोनों इंटीजर्स। तो ये हमारा एक डायरेक्शन में प्रूफ हो गया। Conversely देख सकते हैं कि Q implies P के लिए क्या करेंगे जी, Q क्या गिवन है, Q गिवन है कि Z is odd multiple of 2n plus 1 पाई by 2 और n belongs to integer। ओके, तो अब आपने प्रूफ करना है कि cos Z, तो P आपने प्रूफ करना है कि cos z जो है वो जीरो है, ये आपने प्रूफ करना है। ओके, इसको देखें जी कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप ले cos z और z गिवन है, ये किसके इक्वल है, z इक्वल है कि ये 2n प्लस cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाय 2। देखें जी पाई बाय 2 मल्टीपल्स ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, cos ऑफ जो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हैं फॉर कोसाइन फंक्शन ये जीरो होते हैं। कैसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि जीरो पर वो वन होता है, पाई बाई पर जीरो होता है, अब इनमें जितने पाई ऐड करते जाएं पाई पर जाकर माइनस हो जाता है, ये पाई बाई टू है, इसमें पाई ऐड करेंगे तो ये थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, फिर आप देखेंगे ये राइज अप होगा तो पाई ऐड करेंगे पाई यहाँ पर जाकर फिर फाइव पाई टू पाई ये होता है टू पाई जाकर वन हो जाता है, तो ये फाइव पाई बाई टू पर जीरो हो जाता है, फिर इसी तरह ये सेवन पाई बाई टू पर जीरो हो जाता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन फंक्शंस की, तो इसलिए ये यहाँ पर जीरो है। और अगर यही प्रॉब्लम आगे हम साइन जी के लिए दें तो ये वैलिड होगी वेन एवर जेड इज ओड मल्टीपल सॉरी एन इज जेड इज एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जेड इज एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये चीज साइन जी जीरो होगा एंड वाइस वर्सा। फिर वही मैं बता रहा हूँ बात कि ये जो कंडीशन है रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए तो होल्ड करती है कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है जब एक्स जोन सा होता है एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो तो वो जीरो ही आएगा, लेकिन हमने इसको कम्प्लेक्स के लिए भी देखना है। तो ये अब आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको होमवर्क समझें, आप इसको खुद सॉल्व करें। थैंक यू।